तुमसे बना के खिलाया माशाल्लाह ऑमलेट। जी बिल्कुल, चीज ऑलेस काफी कुछ था ऑमलेट में। अच्छा माशाल्लाह, यस चला देखिए सुभानअल्लाह, द लव पीपल हैव यू नो, जो दीन का काम कर रहे हैं, इवन देखिए सेविंग द सोल्स इज दैट दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग आपको दुनिया दे देना या कुछ भी दे दें तो इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब किसी की आखिरत इंसान बचाता है फिर वे रियली यू नो द फीलिंग कम्स, सुभानअल्लाह दिस इज द पर्सन जिसने मेरी आखिरत बचाई है। उस दिन मैं जब हमारा क्लास हो रही थी ना, एक यंग से लड़का आया और उसने मुझे जोर से झप्पी डाली और ही स्टार्ट क्राइंग। मैं ऑकवर्ड हो गया, मैंने कहा यार क्या हुआ। अच्छा, और वो रो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ खैरियत, ही कुडंट स्पीक सुभानअल्लाह, और वो बोल ही नहीं सका। मैंने कहा चलो अजान अकामत होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो नमाज के बाद मिलते हैं। सुभानअल्लाह प्रॉब्ली आई डोंट नो दिस पर्सन, लेकिन हो सकता है कि कोई वीडियो कोई क्लिप कोई चीज ने उसको एक गुनाहों से निकाल दिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स नेचुरल आई वुड से, इट कम्स फ्रॉम अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मोहब्बत इसके लिए अल्लाह डालता है ना किसी और चीज के लिए, डेफिनेटली सहाबा की फिर अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत जो होगी ना। अच्छा कल ना बल्कि आज ही मैं अपनी छोटी बेटी को ना, उसको कमर पे खारिश हो रही थी तो मैं उसे खारिज कर रहा था, और वो मैंने जब मैंने उसको बहुत फील किया ना तो मुझे रिलैक्सेशन मिली तो खारिज करके। फौरन से ना वो बकर सिद्दीक का कोट याद आया कि जब वो हिजरत कर रहे थे ना और उम्मे माबा के घर में रुके, तो वो बकर सिद्दीक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पीते हुए देख के हमारे पेट भरने शुरू हो। अल्लाह कि आप दूध पी रहे हैं और हमारे पेट भर। क्या बात। अच्छा औलाद के लिए या अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए ना दिस फीलिंग, इस फीलिंग को अचीव करना इट्स इजी है, लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए अचीव करना, फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट सहाबा एंड रिलेशनशिप विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाट, यस टू अचीव दैट लेवल दीन से मोहब्बत ना, इसलिए तो वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। ये अल्लाह ताला ना इसको बड़ा वैल्यू करता है, ये भी एडिक्शन होती है मोहब्बत जो है ना किसी इंसान से अलग रजा के लिए। This is a positive addiction, and this brings us to the topic addictions. Seven under the shade of Allah. Yes, sir. One of these guys, yes, yes. This person, you know. सही बात है। मतलब बड़ा ताल्लुक है। छोटी चीज़ नहीं समझना चाहिए। Mental health का इससे कि एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, relationship अच्छे निभाओ, energy लो एक दूसरे। बिल्कुल। बच्चों को देख के बंदा कितना boost हो जाता है, और family को देख के कितना boost हो जाता है। बिल्कुल। बड़ी importance है इस चीज़। लेकिन mobile phone ना हमारी जो family life है ना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है। और हर बंदा इवन खाने भी बैठे हैं मोबाइल पे लगे हुए हैं, घर पे बैठे मोबाइल पे लगे हुए हैं, सारे लाउंज में सारे बहनें भी आई हुई हैं दूर से और भाई भी आए हुए हैं और गेट टुगेदर है एक, और उसके बाद सब बंदा अपने मोबाइल पे लगा है। और एक्चुअली इससे बिना इरिटेशन और इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, यू नो एंजाइटी की बहुत बड़ी वजह है ये मोबाइल फोन एडिक्शन आज के दौर। तो इस बारे में ना द रीजन व्हाई वी डिसाइडेड दिस टॉपिक मेंटल हेल्थ इश्यूज इज बहुत ज्यादा कॉमन है, तकरीबन हर दूसरा शख्स हर दूसरी बहन इस चीज में मुब्तला है और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, यू नो। तो हम एक ना ऐसा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम उनका कैथारसिस कर दें इस हवाले से कि कम से कम उसको उनको ना इस चीज के बारे में क्लैरिटी मिल जाए और वो फर्दर स्टेप्स उठाकर चले अपने सॉल्यूशन की तरफ और अपना जा सके ट्रीटमेंट की तरफ, यानी ब्रेकिंग डाउन व्हाट दिस थिंग रियली इज। यस यस पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, मुख्तलिफ जो चीज़ें हम फिलहाल डिफरेंट जो मेडिकल इलनेसेज हैं, साइकोलॉजिकल इलनेसेज हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, चीज़ें हैं उस पर आते हैं, लेकिन जो मेनली जो सबसे कॉमन है डिप्रेशन, एनजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, व्हाट डू यू थिंक? सिम्टम्स से पहले ना सॉरी मैं ये समझता हूँ कि ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है ना वो डिप्रेशन नहीं होती, नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि ये फितरत का पार्ट है, आप कभी हाई फील करते हो कभी आप लो फील करते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि आप जब भी लो फील करे तो आप ये समझने लग जाओ कि आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। तो सैडनेस जो है वो ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम लोग समझ लें हम डिप्रेस्ड। और हमारी सोसाइटी में असल में ना इस पर बात ही नहीं की जाती और इसको एक टैबू समझा जाता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन में बहुत गैप है। मैंने देखा है कि वो जब पेरेंट्स से बच्चे कोई बात करें ना अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में तो पेरेंट्स फौरन एक रिप्लाई करते हैं कि यार तुम्हारा ईमान डाउन है,
या तुम अल्लाह अल्लाह करो, ठीक है। ये बड़ा कॉमन एक हमारे माशरे में ना वो बन गया है कि यार डिप्रेशन में जो मुब्तला है ना उसका मतलब उसका ईमान डाउन। या फिर ये भी कहते हैं कि यार तगड़ा बन मर्द बन क्या हो गया, हाँ। जा जाके खेल, हमें तो हमारे घर वाले बाहर फेंक दे रहे थे कि जाओ बाहर जाके धूप में थोड़ा सा ना, हमें तुमने बहुत नाजो नाज में पाला ना, इसलिए तुम डिप्रेशन में हो रहे हो। जो जाए बाहर खेलो, एंजॉय करो, दोस्तों मिलो, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस चीज का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक चीज भी मैं समझता हूँ कि मैं जब पढ़ रहा था साइकोलॉजी की एक बुक, तो उसने ऑथर ने ये लिखा था, मेंटल डिसऑर्डर्स के चैप्टर है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल थिंक के मुझे ये है। मतलब ये एक इंसानी नेचर है, जब आप वो चीज पढ़ते हैं ना उसके सिम्टम्स देखते हैं आपको लगता है मेरे साथ है। तो उसने कहा इस तरह आपने नहीं देखना, जैसे जादू के सारे सिम्टम्स हो ना तो जादू होता है, ये नहीं है कि नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो जादू हो गया, सारे सिम्टम्स कंबाइन होने चाहिए। इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स के भी सारे सिम्टम्स हैं, बिल्कुल तो है, क्योंकि आप सिम्टम्स पढ़ेंगे तो लगेगा कि फीलिंग लो, स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, यार ये सब चीजों में सब चीज होती है। कभी कभी अनडिफाइंड पेन्स होती हैं आपको, ठीक है, तो ये पेन भी स्ट्रेस की वजह से होती है। एग्जैक्टली, फीलिंग होपलेसनेस, पेसिमिज्म की तरफ बहुत सोचना, बिल्कुल, persistent sadness आपको आ रही है, हालांकि ये चीजें normally भी exist कर रही होती हैं हमारी life, जैसे मैंने पहले कहा कि we go through this wave, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि मैं depression। मेरी एक राय, आप agree करते हैं इससे, कि जब भी एक मौसरे में बहुत rapid social change आती है, तो फिर वहाँ बहुत मसाइल पैदा होते हैं, mental issue, यानी पिछले 20 साल में जो इतनी rapid changes आई हैं ना, west में भी और यहाँ भी, मीडिया से लेकर life का structure से लेकर जॉब से लेकर रूटीन से लेकर, यानी इतनी रैपिड है कि पीपल कुडंट हैंडल इट। तो मेरे तो ख्याल में कि दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस हमारी सोसाइटी की कि वी आर नॉट एबल टू कोप विद इट, मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट एबल टू कोप। चेंज से क्या मुराद है आपके, कि व्हेन पीपल सी अदर पीपल चेंजिंग एंड प्रोग्रेसिंग? नहीं नहीं, ओवरऑल सोसाइटी में सोशल चेंज एक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अमेरिका जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ गई, अच्छा सही, तो बहुत डिप्रेशन फैली थी, क्योंकि यार एकदम आप नेचर से हटके मशीनों के पास चले जाएं, फैक्ट्रीज में जाके, फैक्ट्रीज में घुस जाएं, आपका फास्ट फूड शुरू हो जाए नेचुरल डाइट से हटके, और फिर कितने मसाइल उसके पैदा होते हैं, फैमिली वैल्यूज हर्ट होती हैं, फिर मीडिया में क्या क्या दिखाया जा रहा होता है, कंज्यूमरिज्म की वजह से कितनी डिप्रेशन है आपकी सोच, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। अब हिस्ट्री में कभी देखें, कोई प्रॉपर जिम्स कभी थे, ये प्रॉपर कोई जगह जहाँ पे एक्सरसाइज करें, इस तरह से नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका ट्रैवल था ही या तो घोड़ों पे या गधों पे, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल या चलना था, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल था, उनको कभी विटामिन डी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, वो निकलते ही बाहर थे, वो घर में सारा सारा दिन रात गुजारते ही नहीं थे, ठीक है, वो बाहर हैं या घर ऐसे हैं, तो इस तरह के लाइफस्टाइल उन्होंने गुजारा जिसमें इट वाज नेचुरल, विटामिन डी लेना है, चलना है, एक्सरसाइज की प्रॉपर जरूरत कभी नहीं पड़ी। हमें किस कौन से लोग मिलते हैं कि वो रोजाना जिम का या एक्सरसाइज का टाइम निकालते थे? जी यस, वो रेसल कुछ ट्रेनिंग करने के लिए टाइम निकालते थे, अपने आप को मजीद इक्विप करने के लिए फॉर फाइट, लेकिन दे वर लीन पीपल एंड दे वर स्मार्ट। असल में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ना, हमने कंफर्ट को बहुत ज्यादा अपनाया, तो जितना जितना हमने कंफर्ट को अपनाया उतना ज्यादा हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ गए, गाड़ियां आ गई हैं, पैदल चलना खत्म हो गया हमारी लाइफ से, फिर ऊपर से डाइट, GMO foods और you know, हर तरफ से कर करके इंसान, तुम बैठे रहो काउच में, तुम्हें सब कुछ यहाँ टेबल पे सर्व किया जाए, और देखें रवैयों में कितना फर्क पड़ा है, जल्दबाजी आ गई, गुस्से तेज होना आ गया, मिजाज का। अब पुराने बुजुर्गों को देखें यार, उनके चेहरे से कामनेस टपकती थी, हाथ में तस्बीह होती थी, फसलों में वॉक कर रहे हैं और जाहिर है कि नेचर के साथ कनेक्टेड है, बुर्दबारी, बर्दाश्त और ये टॉलरेंस, ये सारी चीजें उनमें बहुत नजर आएंगी। लेकिन हमारी जनरेशन में बेचैनी बहुत ज्यादा, ये बड़ा एक मसला है।